नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरुबचन सिंह है और जस आरोग्य केंद्र के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि आपका जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल की जो डिजीज़ होने हो रही है हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार में छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उसकी मेन वजह क्या थी। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर 70 से 80% जो लोग हैं वो मोटापे से परेशान हैं, आए दिन छोटी छोटी बीमारियों से परेशान हैं। तो आज जो मोटापा है वो बहुत बड़ा मेन मुद्दा बन चुका है। तरह तरह के प्रोडक्ट, तरह तरह के तरीके मोटापे को घटाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि आखिर आप मोटापे को किस तरीके से घटा सकते हैं। उससे पहले आपको अपने शरीर के बारे में कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो बातें हैं क्या, पहली, हमारा शरीर एक मशीन है और उस मशीन को चलाने के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत होती है। जैसे एक स्कूटर है या एक कार है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको भी चलाने के लिए हमें एक ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की, डीजल की या सीएनजी की। तो दोस्तों, हमारे शरीर को चलाने के लिए भी ईंधन की ज़रूरत होती है। आखिर वो ईंधन है क्या, मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ जानकारी शायद मैं दे पाऊँ। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है इस बात पर, बट फिर भी मैं अपने तरीके से, एक टेक्निकल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमारे शरीर के अंदर वो सारी चीज़ें हैं क्या। दोस्तों, हमारे शरीर में बॉडी को चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है वो कैलोरीज की होती है, और जो कैलोरीज जो हैं वो हमें खाने से मिलती है। पहला, मान लीजिए एक कार और एक बॉडी की अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो जो कार है, कार को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी ईंधन की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं कार की बात करूं तो कार को चलाने के लिए क्या है, पेट्रोल या डीजल और यहां पर क्या है, हमारा खाना। तीसरी चीज, अब पेट्रोल या डीजल को हम कार में नापते कैसे हैं, यहाँ पर नापने की इकाई है लीटर और यहाँ पर नापने की इकाई है कैलोरीज। शायद इस चीज से आप कुछ समझ पाए। ईंधन क्या है, पेट्रोल है, यहाँ पर ईंधन क्या है, खाना है, और यहाँ पर नापने की इकाई है कैलोरीज और यहाँ पर नापने की इकाई है लीटर। तो दोस्तों, इस चीज़ के डिसबैलेंस से आपकी बॉडी में जो वज़न है घटता और बढ़ता है। किस तरह घटता बढ़ता है, पहला रीज़न, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैं अपनी कार को रोज़ाना 20 किलोमीटर चलाऊं और उसके अंदर मैं एवरेज, ऑन एवरेज लगभग 1 लीटर पेट्रोल लगेगा। यदि मैं अपने कार को किसी रोज 100 किलोमीटर चलाना चाहूं, क्या 1 लीटर पेट्रोल में चलेगी, नहीं चलेगी। मुझे क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू इसके मुझे लगभग 5 लीटर पेट्रोल अपनी कार में डलवाना होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं आप बॉडी की अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी कैलोरीज का इस्तेमाल शरीर के हर एक चीज़ के लिए, जैसे अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो भी हमारे शरीर में कैलोरीज बर्न होती है या कैलोरीज इस्तेमाल होती है। मैं बोल रहा हूँ तो भी उसमें कैलोरीज इस्तेमाल हो रही है, मैं अगर चलता हूँ तो भी मैं उसमें कैलोरीज इस्तेमाल होती है, अगर मैं रात को सोता भी हूँ तो उसमें भी कैलोरीज इस्तेमाल हो रही है, वॉकिंग कर रहा हूँ तो भी कैलोरीज इस्तेमाल हो रही है, तेज़ी से दौड़ रहा हूँ तो भी कैलोरीज इस्तेमाल हो रही है। तो हमारा शरीर आज की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरीज
हम अपने शरीर को दे रहे हैं और कितनी कैलोरीज हमारा शरीर इस्तेमाल कर रहा है, उसके दोनों के रेशो के हिसाब से आपका वजन डिपेंड करता है। अगर जो वजन बढ़ने की मेन वजह है वो आपकी कैलोरीज है। मान लीजिए आपने खाना खाया और आप खाना खाकर आराम से बेड पर या कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, बैठने से आपकी कैलोरीज कम खर्च होगी मगर आप शरीर को दे कितना रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। तो ऐसे ही शरीर में अगर हम कार से कंपेयर करें, तो अगर मैं कार में किसी रोज 100 किलोमीटर चलूं, 5 लीटर पेट्रोल में रोज़ाना डलवाऊं, मगर मैं चलूं 20 किलोमीटर, पेट्रोल डलवाऊं 100 किलोमीटर का और चलूं 20 किलोमीटर, तो होता क्या है कि हमारे जो कार की टंकी है वो ओवरफ्लो हो जाएगी। मगर बॉडी में क्या होता है कि बॉडी क्या है, ये रबड़ है, इस रबड़ को जितना मर्जी फैला लो, तो जब हमारा खाना हमारे शरीर में जाता है और वो इस्तेमाल नहीं होता है उसकी कैलोरीज, तो होता क्या है कि बॉडी उसको स्टोर करती है फैट के तौर पर। अब जब उसको स्टोर करती है, यहाँ पर कार ने तो ओवरफ्लो कर दिया मगर बॉडी इसको स्टोर करती है, तब टाइम टू टाइम एक समय के बाद, कुछ टाइम के बाद होता क्या है कि आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ना चाहते हैं बढ़ जाता है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आप कितनी कैलोरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी कैलोरीज आप रोज़ाना खा रहे हैं। अगर ये रेशो आपको समझ में आ जाए तो आप अपने वजन को बहुत आसानी से और इफ़ेक्टिव तरीके से वजन को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको मैं इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम करके और आपको अवेयर कर सकें कि आखिर आजकल की लाइफस्टाइल है वो किस तरह की है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।